फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। कुकिंग एंड स्टिचिंग आइडियाज़ में वेलकम। आज हम बनाएंगे चिकन थ्री फोल्डिंग ब्रेड, और इसको छल्ला ब्रेड भी कहते हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दो को रेडी करने के लिए चाहिए मुझे 2 कप मैदा। मैंने इसको स्टेन कर लिया, ये वाला इस तरह। अगर नॉर्मल कप आप भी घर में जो चाय वाले हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया है, और इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून जो है यीस्ट का, 1.5 टीस्पून। अब मैंने बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डालना। इसको अच्छी तरह से करना मिक्स, ताकि ये जो सारी इसमें मैंने चीज़ें डाली हैं वो मिक्स हो जाएं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच छोटा चम्मच चीनी का, और 1 छोटा चम्मच जो टीस्पून है वो ही वाला नमक। चीनी, ये नमक। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, और इसमें मैं डालूंगी 1 अंडा। 1 अंडा डालना है। मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया, और इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच ऑयल के। अब मैंने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। इसको मिक्स करने के लिए आप जो है नीम गर्म दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अगर दूध नहीं यूज़ करना तो आप पानी में इसको आटे को डो को बना दें। ये हमने गूंदना है आटे की तरह अच्छी तरह से, सोफ से हमें डो बनानी है इसकी। पानी इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसको अच्छी तरह से। थोड़ा थोड़ा डाल के देखिएगा, एकदम ना डालिएगा ताकि पतली ना हो जाए हमारी, जो हमारी नॉर्मल होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। इसको गूंदने के बाद हम इसको जो है ना 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे राइस होने के लिए। डो हमारी अच्छी तरह हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डालूंगी ऑयल, और इसके ऊपर लगा के पीछे भी, और इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा के लिए राइस होने के लिए हम रख देंगे। हमारा हो चुका है बॉयल, और मैंने इसको छोटे छोटे रेशियों में कर लिया, देखिए बोनलेस टाइप। अब मैं जो है फ्राई में थोड़ा सा डालूंगी घी, और इसके अंदर ये चीज़ें डालूंगी। ये तकरीबन 1 चम्मच ऑयल है जो मैंने डालना, हल्का सा डालना है बिल्कुल। इसके अंदर मैं डालूंगी ये चिकन जो बॉयल किया है, इसको हल्का सा करूँगी फ्राई। इसके अंदर मैंने डालनी है छोटा प्याज चॉप किया हुआ, प्याज ये भी साथ में फ्राई हो जाएगा। एक पोटैटो लिया मैंने, इसको बॉईल किया, हल्का सा नमक डाल के इसको भी मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। इसको मैंने मैश कर लिया था। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, ये पूरा चम्मच नहीं है, थोड़ा सा कम है 1 चम्मच से। अब इसमें इतना ही नमक डालूंगी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। आपने ज़्यादा नमक ऐड करना तो ज़्यादा डालें। मैंने चिकन और जो पोटैटो बॉईल किया था तो उसमें भी नमक था, इसलिए मैं 1/2 चम्मच नमक डालूंगी। 1/2 चम्मच नमक ऐड कर दिया। इसमें आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं कर रही चिली फ्लेक्स, क्योंकि मैंने इसको ड्राई ऐसे करना है, और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना है। अब इसमें मैं 1 चम्मच डालूंगी सिरका, वाइट सिरका 1 चम्मच सिरका। इसको मिक्स करूंगी अच्छी तरह, देखिए ड्राई होने लग रहा है अच्छी तरह। इसको ड्राई ही रखना है हमने, और जब ये हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 चम्मच मायोनीज़।
बस ये हमारा रेडी है। अब मैं इसके अंदर दो चम्मच मायनीज़ लगाऊंगी। ये ड्राई हो चुका है। मायनीज़ के लिए मैं इसको बाउल में निकालूंगी और फिर मायनीज़ इसमें ऐड करूंगी, इसके अंदर ऐड नहीं करूंगी। ये मैंने अलग निकाली और इसमें मैंने दो चम्मच मायनीज़ ऐड करनी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बैटर हमारा हो चुका है रेडी। इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। इस तरह हमारा बैटर जो है रेडी हो चुका है। ये थिकनेस इसकी इतनी होनी चाहिए। अब हम जो है अपनी डो देखेंगे। ये देखें डो हमारी, और बेलन से इसको जो है ना लंबाई में मैं बेल दूंगी। इस टाइप पे मैंने बेल दी है लंबाई में। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा बारीक भी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मैंने तीन पट्टियाँ बनानी है इसकी। अब मैंने इसको डिश में ना थोड़ा सा आटा डाल के, मैदा डाल के, और फिर पट्टियाँ रखती हैं। पहले दो पट्टियों पे मैं लगाऊंगी। इनके ऊपर आप पहले मायनीज भी लगा सकती हैं। मैंने इसके अंदर मिक्स किया हुआ, इस वजह से मैं मायनीज नहीं लगा रही। हमने ये सारा अपनी तीनों पट्टियों पे लगाना है। और इसको ऐसे करना है बंद। इसको इस शेप में हमने फोल्डिंग देनी है। ये ऐसे हमारा हो गया बंद। आगे से इसका मुंह भी बंद करना है। ये ऐसे बंद हो गया हमारा। और ये इसको हमने ऐसे करना ताकि गोल शेप नहीं हमारी रहे। ये एक हमारी हो चुकी है तैयार। इसी तरह मैंने दोनों बाकी भी करने हैं। मेरी तीनों जो है ये रेडी हो चुकी हैं। अब मैंने इसको बैलेंस कर लिया इन तीनों को। अब मैं इसकी फोल्डिंग करूँगी। ऐसे करना, जिस तरह हमने सर की चुटिया करते हैं हम, उस तरह इसको जो है हमें करना। और ये मेरा जो है एंडिंग होगी इसकी। क्या ये शेप हमारी बनी। अब हम इसको जो है मैं इसको पतीले में रखूंगी और इसके ऊपर एग लगा के और फिर इसको बनाऊंगी। अब मैंने जो है ये नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। ऑयल मैं इस पर स्प्रेड करूंगी, नीचे हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। ऑयल ग्रीस करने के बाद मैं इसके अंदर जो है वो रखूंगी। ऐसे मैंने इसको रख दी। अब मैं इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए रखूंगी। इसके ऊपर मैंने लगाना है एग। इसके ऊपर पहले ऑयल लगाऊंगी। ऊपर लगाऊंगी मैं एग। एग से इसका जो कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगा, इसलिए मैं इसको लगाऊंगी। हल्की हीट रखनी है नीचे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, वरना फिर जो है ये जल्दी पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब मैं जो है इसका ढक्कन लगा दूँगी। हल्की हीट पर 10 मिनट के लिए मैं इसको जो है ना वेट दूँगी। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए एक तरफ से हमारा ये नीचे से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। साइड चेंज करके मैं इसको जो है तकरीबन 5 मिनट के लिए नीचे से जो है पकाऊंगी अच्छी तरह। ये मैंने इसको निकाल लिया। ये हमारी रेडी हो चुकी है। और इसकी ये देखें फिलिंग, आप फिलिंग में आप जो है चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, तो बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं थी, इस वजह से मैंने नहीं डाली। केचप के साथ खाएँ, मायनीज़ के साथ टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा और बना के ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़े की, क्योंकि इसकी जो 3 लेयर्स में जो फीलिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त